और पुलिस ने जानकारी दी है कि ग्राम पंचायत देदास के सरपंच राजेंद्र नेवल आज सुबह अपने खेत में बनी गैस एजेंसी से वापस खाना खाने अपने घर की ओर लौट रहे थे कि रास्ते में रंजिश रखने वाले कुछ लोगों ने धारदार हथियारों से सरपंच पर हमला कर दिया। हमला करने का आरोप ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच और उनके पुत्र पर है। हमले में घायल सरपंच राजेंद्र के पूरे शरीर पर गहरे कट के जख्म है। सरपंच राजेंद्र का ट्रॉमा सेंटर हनुमानगढ़ में प्राथमिक उपचार कर गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। प्रकरण की सूचना के बाद नौर पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। पुलिस की कई टीमें आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। परिजनों का कहना है कि पूर्व सरपंच आपसी रंजिश रखता था, इसी रंजिश के चलते आज आरोपी ने सरपंच नेवल पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला किया है। अस्पताल चौकी के अनिल कुमार ने बताया कि गंभीर हालत में सरपंच नेवल को ट्रॉमा सेंटर लाया गया था। सरपंच के गर्दन हाथ पैर सहित कट के गहरे घाव थे जिनकी प्राथमिक उपचार कर गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया है। वही घटना की सूचना मिलने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने नोर रावसर मार्ग को जाम कर प्रदर्शन और नारेबाजी आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग के बाद ही पूरी होने के बाद जाम खोलने की बात कही। पुलिस लगातार ग्रामीणों की समझाइश कर रास्ता खुलवाने में जुटी है।